आगामी विधानसभा चुनाव में मिशन 75 का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा के लिए आशीर्वाद यात्रा, भाजपा के 2 दर्जन मौजूदा विधायकों के लिए अमंगल यात्रा साबित हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की आशीर्वाद यात्रा को भाजपा के टिकटार्थियों द्वारा भरपूर समर्थन हासिल हुआ। इस बार जिस प्रदेश में भाजपा का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यह परचम भाजपा के 2 दर्जन मौजूदा विधायकों के लिए बड़ी सिरदर्दी साबित हो रहा है। सिर्फ 28 सीटों पर भाजपा आसानी से प्रत्याशियों का ऐलान कर पाएगी, बाकी 62 सीटों पर भाजपा के लिए प्रत्याशियों का चयन करना टेढ़ी खीर साबित होगा, क्योंकि 62 सीटों पर भाजपा के पास 5 से लेकर 15 तक टिकट के दावेदार अपना दम ठोक रहे हैं। भाजपा को 28 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन में कोई मारामारी नहीं रहेगी। अंबाला कैंट, जगाधरी, शाहबाद, लाडवा, थानेसर, टोहाना व अन्य 28 सीटों पर किसी भी प्रकार की कोई मारामारी नहीं है। वर्तमान विधायक ही दोबारा चुनावी दंगल में ताल ठोकने का काम करेंगे। भाजपा के दोबारा सत्ता पर काबिज होने के प्रबल आसार को देखते हुए 62 सीटों पर टिकटों के दावेदारी बेहद ज़्यादा हो गई है। दूसरे दलों के हैवीवेट प्रत्याशियों के आने के बाद पुराने भाजपाइयों में टिकट कटने का डर पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री की आशीर्वाद यात्रा के दौरान 62 विधानसभा क्षेत्रों में 5 से लेकर 15 तक दावेदारी अपनी टिकट पक्की कराने के ही हसरत में पूरा दमखम झोंक रहे हैं। 2 दर्जन विधायकों के टिकट पर सवालिया निशान, भाजपा के 2 दर्जन वर्तमान विधायकों को भी दोबारा टिकट हासिल करने के लिए बेहद कड़ी परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। लतिका शर्मा, ज्ञानचंद गुप्ता, असीम गोयल, बलवंत गसाढ़ोर, घनश्याम दास व अन्य टिकट के लिए तलवार अपनी लटकी हुई है। इन विधायकों में से वही लोग टिकट बचा पाएंगे जिनके हाईकमान में मजबूत पैरवीकार होंगे। खरी खरी बात यह है कि भाजपा के 2 दर्जन वर्तमान विधायकों के खिलाफ जनता की नाराजगी का रुझान सामने आया है। इन सीटों पर भाजपा के पास अब मजबूत विकल्प भी मौजूद है। इस कारण भाजपा हाईकमान कई वर्तमान विधायकों के टिकट काट सकता है। ज़्यादा नेगेटिविटी परफॉर्मेंस वाले 12 से 15 विधायकों के टिकट कटना तय माना जा रहा है। अब देखना यही है कि अपने आकाओं के बलबूते पर सवालिया निशानों के घेरे में आए कितने विधायक अपने टिकट बजा पाते हैं।